केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी के केदार क्षेत्र को भी दिया गया है। दोस्तों, अगर आप और भी ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी भोले बाबा से कृपा चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो अभी कमेंट में लिखें बम बम भोले। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरमय तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी, ये दोनों नदियाँ नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाली जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अतीत पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में ये कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जाप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोगों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि या गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विहुल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियां और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने रूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्य को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्य के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है, वह आज भी सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव अपने सभी भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं। तो भक्तों, जो भी भगवान शिव से अथाह प्रेम करता है, उनकी कृपा पाना चाहता है, अभी कमेंट में लिखना ना भूले बम बम भोले, हर हर महादेव। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए। हम फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगे एक और नए ज्योतिर्लिंग के दर्शन और कथा के साथ। साथ ही नई नई भक्ति की कहानियां देखने के लिए
अभी हमारे चैनल पर जाएं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।